गांव का दौरा बना हुआ था प्रवास का, उससे एक दिन पहले मेरी एक बहुत अच्छी कार्यकर्ता मेरे घर पर आई। तो मैंने उससे देखते ही कहा कि मैं तो कल तुम्हारे गांव में आ रही हूं। तो उसने कहा मैं इसीलिए आई हूं आपको निमंत्रण देने, न्योता देने कि कल आप मेरे घर पर चाय पिए। मैंने कहा चाय पीने आऊं क्या बात, बहू आ गई है? तो आंखें करके ऐसे बोली, बहू नहीं आई दीदी, उज्ज्वला आ गई है। मैंने कहा ओ उज्ज्वला आ गई है? तो मैंने कहा क्या फर्क गया, क्या फर्क पड़ गया? तो बोली बहुत दिन से मन में इच्छा थी आपको चाय पीने के लिए बुलाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आपके पास वक्त कहाँ है इतना कि आप मेरे घर बैठे और मैं चाय बनाऊं? अब तो बस बटन दबाती हूँ फटफट चाय बन जाती है। एकदम मैंने उसको कहा, आई उज्ज्वला घर में बहनों, बटन दबाओ खटखट, ना ही चूल्हा ना ही धुआं, चाय बनेगी फटफट। तो कहती अरे आप कविता भी करती हैं? तो मैंने कहा मैं कविता नहीं करती, लेकिन तुम्हारे आंखों की रोशनी देखकर कविता अचानक मुंह से निकल पड़ी। मैं आज आपसे कहना चाहती हूं, जो उसके चेहरे पर चमक थी, जो उसकी आंखों में रोशनी थी, जो पूरे चेहरे पर उसके खुशी छाई हुई थी, उससे मैं ये पता कर सकी कि एक गैस का सिलेंडर कितनी बड़ी क्रांति कर सकता है।